हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भगत सिंह और आप देख रहे हैं ऑनलाइन मेडिसिन हालत। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोंटेयर एलसी टैबलेट के बारे में, इसके उपयोग के बारे में, इसके बेनिफिट्स के बारे में, इसके प्रिकॉशन के बारे में, इसके डोज क्या है और इसके कुछ अल्टरनेट्स ब्रांड्स के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं मोंटेयर एलसी टैबलेट क्या है। दोस्तों, मोंटेयर एलसी टैबलेट एलर्जी के लक्षणों जैसे बहती नाक, भरी हुई नाक, छींकने, खुजली, सूजन, आँखों में पानी और आँखों में सूजापन चार में से प्रयोग की जाने वाली एक दवा है जो मिश्रण में बनाई जाती है। इसके अंदर अगर हम बात करें इंग्रेडिएंट्स की तो इसके अंदर मोंटेलू कास्ट और लिवोसिट्रीजन दो इंग्रेडिएंट्स हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं मोंटेयर एलसी टैबलेट काम कैसे करती है। तो दोस्तों, मोंटेयर एलसी टैबलेट दो दवाओं का मिश्रण है, लिवोसिट्रीजन और मोंटेलुकास्ट, जो एलर्जी के कारण छींकने और नाक बहने से राहत देता है। लिवोसिट्रीजन एक एंटी एलर्जिक है जो बहती हुई नाक, पानी की आँखों और छींकने को रोकता है। मोंटेलुकास्ट एक ल्यूकोट्रेन विरोधी होती है, यह एक अन्य रासायनिक चीज़ों को ब्लॉक करने का काम करता है। यह वायुमार्ग और नाक में सूजन को कम करता है और लक्षणों को सुधार करता है। अब बात करते हैं दोस्तों, इसके उपयोग आप किन किन बीमारियों में कर सकते हैं। मोंटेयर एलसी का उपयोग आप दमा, क्रोनिक दमा, एलर्जी, रिनथेसिस, हे फीवर, एलर्जी की स्थिति के लक्षण, पालतू जानवर या धूल से एलर्जी, नाक के म्यूकस में जलन, त्वचा में सूजन, लाल खुजली वाले चकते आदि में मोंटेयर एलसी का उपयोग आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों मोंटेयर एलसी के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं, धुंधली दृष्टि, एलर्जी होना जैसे सूजन, खुजली या चकते, पीली आँखें या त्वचा, सांस लेने में कठिनाई, मुंह का सूखना, सिर दर्द, दस्त, यूरिन पास करने में कठिनाई, इसके अलावा मूड में बदलाव होना जैसे आदि साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसके कुछ सावधानियों के बारे में। दोस्तों, अगर आपको पहले से एलर्जी है तो इस दवा को न लें। इसको लेने से पहले अगर आप डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करें, और अगर आपको किडनी की बीमारी है तो आप इसका दवा का उपयोग न करें। इसके अलावा 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों को भी इस दवा का उपयोग करने की सलाह न दें। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी सामान्य डोज। दोस्तों, वैसे तो इसकी जो डोज है वो उम्र, कंडीशन और मेडिकल हिस्ट्री और शरीर की प्रतिक्रिया पर निर्भर करती है, लेकिन फिर भी आप एक डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करें इसे लेने से पहले, और इसको टैबलेट को भोजन के साथ या बिना भोजन के भी लिया जा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके कुछ इंटरनेट ब्रांड के बारे में। इसके जो इंटरनेट ब्रांड हैं वो है मोंटीना एल, लिवोसिट्री, सेट एम, मोंटीकोप, लीकोप एम, इसके अलावा मोंटेक एलसी। इसके अलावा भी बहुत सारे जेनरिक ब्रांड आपको मार्केट में मिल जाएंगे, आप किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी से इसे खरीद सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।